people or not. Are you doing it? Spending is another ball. Alam. अपने हाथ राय नहीं के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवार को मुंतखब करेंगे और अपना एतमाद धूल में किसी कोने में पड़े हुए रहते हैं पांच बरस खत्म होने तक मंजूसे हाल मुस्लिम ने कभी कोई मंशूर जारी नहीं किया मजलिसे इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कोई वादा नहीं किया मजलिसे इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कभी कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया मजलिसे इत्तेहाद मुस्लिमीन आज से 62 साल कबल पहले जब उसका बिया हुआ तो उस वक्त जो ऐलान किया था कि मरकज सियासी पर जमा करने का उस पर आज भी अमल कर दिया है इत्तेहाद का जो पैगाम दिया उस पैगाम को हैदराबाद से मैं महदूद नहीं रखा बल्कि उस इत्तेहाद के पैगाम को शहर हैदराबाद की गलियों से रियासत आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में और फिर तेलंगाना के बनने के बाद तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में उस इत्तेहाद के पैगाम को और मरकज सियासी के पैगाम को पहुंचाने में कामयाब हुई मरकज सियासी और इत्तेहाद के नारे के साथ ये भी नारा दिया कि असलियतों की और बिलखसूस मुसलमानों की तारीखी पसमानदगी को दूर करेंगे तो 62 साल पहले जो तारीखी पसमानदगी को दूर करने के लिए जो मंसूबा बनाया और तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए दारुस्सलाम का जब हासिल किया तो सबसे पहला अगर कुछ काम किया था तो एक स्कूल का अपने बुनियाद रखकर एक स्कूल का आकार दारुस्सलाम में किया था और उसके बाद आईटीआई इंस्टीट्यूट को कायम किया स्टूडेंट हो या फिर जटिंग कॉलेज का मैनेजर का स्टूडेंट हो या फिर जटिंग कॉलेज का फार्मेसी का स्टूडेंट हो या फिर जटिंग कॉलेज का आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हो यहीं पर हमारा सफर खत्म नहीं हुआ फादर मिलर रहमान ने एक और नारा भी दिया था और कहा था कि शहर के मैदान में हमारे जवान आए होंगे और 62 साल गुजरने के बाद भी आज भी शहर के मैदान में मजलिसे इत्तेहाद मुस्लिमीन की गैर मामूली सरगर्मियां गैर मामूली कामयाबियों को दुनिया देख रही है शहर हैदराबाद देख रहा है और इसके हाथों की वो शान वो शौकत वो इमारत वो वसी का मैदान और उसमें और इलाका होते हुए इमारतों को दुनिया देख रही है असरा हॉस्पिटल जहां से आज कई बैंक कई इंस्टीट्यूशन जो बैंकिंग के सेक्टर में है वो डूब गए और लोगों का पैसा डूबा लेकिन मजलिसे इत्तेहाद मुस्लिमीन के जैर निगरानी चलने वाले दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक डूबा नहीं बल्कि उसकी शाखें बढ़ती गई फैलते गई और दारुस्सलाम बैंक जो सिर्फ दारुस्सलाम में था उसकी शाखें आज हॉस्पिटल में है उसकी शाख आज असरा हॉस्पिटल में है उसकी शाख मलकपेट में है उसकी शाख टोली चौकी में है उसकी शाख सरत नगर में है उसकी शाख खतर गट्टी में है इसकी शाख हुसैनी अलम में है अब हमारी कोशिश है कि दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक को और उसके शाख को हम रियासत तेलंगाना में और दूसरे मुकामात में हो सका तो निजामाबाद ले जाए और उसके बाद अगर हो सकता है तो इंशाल्लाह महाराष्ट्र के भी अदला में भी दारुस्सलाम आपको मैं बताना ये चाह रहा हूं कि मजलिसे इत्तेहाद मुस्लिमीन ने काम किया और 62 साल पहले
अपने अल्लाह के वास्ते वादे किए थे,